हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि लास्ट वीडियोस तक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, जाना वो एक सीरीज चली रही है, साथ ही साथ हम यहां पे अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी पढ़ेंगे। दरअसल होता क्या है ना कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप लोग इसको ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, किसी भी तरीके से समझो, और यूपीएससी में तो वैसे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत लंबी चलने वाली है। तो साथ ही साथ मैं पैरेलली मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी ये सीरीज अपने इस चैनल पे चलाने की शुरुआत कर रहा हूं। तो आज ये पहली वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो जैसे आपको पता होता है कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं हमेशा किसी भी टॉपिक की थीम, उसके इंट्रोडक्शन, उसके स्कोप, इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताई थी, कुछ और बाकी टॉपिक्स के बारे में बताया था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हम किसी भी चीज की जब स्टडी करते हैं तो उसकी इंडिविजुअल स्टडी जो हम कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल ये है कि जब हम ब्रॉड लेवल पे चीजों को पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना कि हम मान लो, अगर हम मान लो एक स्कूल की स्टडी कर रहे हैं या मान लो यूपीएससी एग्जाम की स्टडी कर रहे हैं, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि यूपीएससी एग्जाम क्या होता है, तो जब हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की लाइफ को समझेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आ गया। और जब हम पूरे यूपीएससी एग्जाम को अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या है यूपीएससी एग्जाम, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, क्या क्या उसमें सिलेबस होता है, सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। अब हम अपने इसको इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे जब पूरी की पूरी इकोनॉमी, जैसे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहे थे, तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, यानी कि किसी भी इकोनॉमी में कितनी ज्यादा डिमांड हो रही है। तो जैसे कि मानो कि अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था, डिमांड हमने पढ़ी थी कि एक इंडिविजुअल कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि मानो, जैसे कि हम लोग समझो कि किसी भी प्रोडक्ट की मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी कितनी मार्केट में डिमांड हो रही है, उसके डिमांड होने से कितनी उसकी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ रहा है, उससे कितनी हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितनी हमारी जीडीपी बढ़ रही है और कितना हम लोग नेशनल इनकम यानी कि पैसा वेल्थ हमारी जनरेट हो रही है, ये सारी चीजें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से हुई थी, पहले उसके बारे में हम लोग यहां पे जानते हैं, किसी भी चीज की ओरिजिन कहां से होता है। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आया कहां से था, मैक्रो इकोनॉमिक्स आया था, एक बुक आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और ये बुक लिखी गई थी जॉन मेनार्ड किन्जन। तो ये किन्जन कौन थे? तो दरअसल हुआ क्या था, 1930 की बात है, दरअसल 1930 में क्या हुआ था, एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग ग्रेट डिप्रेशन के बारे में जानना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ोगे ना, तो क्लास 9th की एनसीईआरटी जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो उसमें भी मेंशन है। तो हुआ क्या था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, एक स्टॉक एक्सचेंज था यूएसए का, 1930 की बात है। तो हुआ क्या था कि जो यूएसए था वो तो आजाद हो चुका था, यूएसए अपनी इकोनॉमी को रन करने में लगा हुआ था, सारे लोगों का पैसा यूएसए में लग चुका था। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो क्या हुआ था कि वहां पे मार्केट इकोनॉमी गिर जाती है। इकोनॉमी क्यों गिरती है कि क्या होता है ना कि अगर मार्केट में कंसिस्टेंटली कंज्यूमर डिमांड कर रहा है और इधर से सप्लाई होती जा रही है और उसको कंट्रोल ना किया जाए, उस इकोनॉमी को कंट्रोल ना किया जाए, तो होगा क्या कि कभी ना कभी उसमें क्या होगा, वो मार्केट क्रैश हो जाएगी। होगा क्या कि चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, जैसे कि एक रिसेशन आया था 2008 में यूएसए में, तो उसमें क्या हुआ था, लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। अब हर इंसान के पास अगर प्रॉपर्टी आ जाएगी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ही क्या रह जाएगी मार्केट में, तो पैसा फिर कर्ज आ जाएगा लोगों के पास, पैसा पे करने के लिए होगा ना, बैंक को पैसा दे पाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी क्लैश हो जाएगी। तो वही कुछ हुआ था 1930 में, तो जो इकोनॉमी थी वो क्लैश कर गई थी स्टॉक एक्सचेंज की। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि बाकी जो देशों का पैसा लगा हुआ था तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसका इफेक्ट पड़ा था। तो जो ये थे, जो जॉन मेनार्ड किन्जन, जो किन्जन है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ोगे, इसी के कॉन्सेप्ट, इसी की थ्योरीज वगैरह को आप आगे तक इम्प्लीमेंट करोगे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि कंट्रोल की जरूरत है, कि जब डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन यानी कि मार्केट में ना तो काम रहता है, ना सैलरी देने को वेजेस होते हैं, ना प्रोडक्ट के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह भी देखने को मिलता है, तो वैसी कुछ सिचुएशन जब हो जाती है तो ऐसे केस में क्या होता है कि फिर इकोनॉमी को सही ढंग से रन करने के लिए उसको कंट्रोल्ड वे में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पर्पस पता है क्या होता है कि इकोनॉमी में ना जब सारी चीजें चल रही हैं, चाहे फिर वो लेबर है या फिर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हर एक चीज को कंट्रोल्ड वे में चलाना।
ठीक है ना, अगर आप किसी भी चीज को कंट्रोल्ड वे में चलाओगे तो वो चीज बेटर चलेगी सस्टेनेबली। जैसे कि हम लोग, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट में हम इसको पढ़ेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि एनवायरमेंट के जितने भी रिसोर्सेज है हम उसको थोड़ा थोड़ा सस्टेनेबली यूज करें अपने रिसोर्सेज को अपने आउटपुट में लगाने के लिए, ताकि आने वाले समय तक हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल रह सके। ठीक है ना, अब आप इसको ऐसे समझो एक आम भाषा में कि अगर एक घर में रिसोर्सेज है या किचन में खाना रखा हुआ है, अब उस खाने को एक ही दिन में खाके खत्म कर दोगे, बल्कि वो राशन है हफ्ते भर का, तो आप लोग उसको रोज थोड़ा थोड़ा खाओगे। अब खाना है ना, खाना अगर आप मान लो आपको ज्यादा भूख लग रही है पर आप स्टिल एक रोटी खाके आप अपनी भूख मिटा सकते हो ना, तो आप सर्वाइव तो कर पाओगे ना, और वहीं पे आप सारा खाना एक ही दिन में खाके खत्म कर दोगे तो नेक्स्ट डे क्या खा पाओगे आप लोग। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं कि जैसे इंसान होता है ना कि रोज थोड़ा थोड़ा खाए अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, हम लोगों को दिन में 3 मील तो चाहिए होते हैं ना, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और अगर हम दिन में 2 मील भी खा लेंगे तो मैनेज कर सकते हैं ना, अगर हम लोग खाने को कम खाएंगे नेक्स्ट डे के बचाने के लिए। तो वही चीज जरूरी होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, हमारी इकोनॉमी होती है, हर इंसान बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, यहाँ पैसा वहां पैसा लग रहा है, उस पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल्ड वे में चलाने के लिए ही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं और उसकी फिर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, बहुत ही काफी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, उन सारी चीजों को अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइक्रो से लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मैक्रो इकोनॉमिक्स में आओगे तो आप काफी सारी चीजों को पढ़ोगे। अब अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आप इसको बैंकिंग पढ़ोगे, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ोगे और इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ोगे, और जैसे फॉरेक्स रिजर्व होता है जो हमारा इंडिया के बाहर का डॉलर करेंसी चेंज होता है, एक्सचेंज रेट होता है, ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फिर आगे एक्सटेंड लेवल पे आप मैक्रो में पढ़ते चले जाओगे। तो चलो ये तो था मैंने आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, अब मैं इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस के बारे में बता देता हूँ, यानी कि बेसिक जो चीजें हैं। जैसे पहले मैं इसके स्कोप के बारे में अगर बात करूं, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, तो जैसे कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम यानी कि जो हमारा देश है, अगर एक कंट्री है, एक इकोनॉमी है, वो चल रही है, तो उसमें जितने भी प्रोडक्शन हो रही है, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उससे हमारी वेल्थ जनरेट हो रही है, तो उससे हमारी नेशनल इनकम, जिसको हम GDP बोलते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो हमारा वेल्थ क्रिएट करता है, कि हमारे देश में कितनी रिसोर्सेज से हमारी वेल्थ क्रिएट हुई है, उससे हम लोग अपनी GDP को आंकते हैं। ठीक है ना, तो वो नेशनल इनकम होती है कि उससे हमारी कितनी नेशनल इनकम जनरेट हो रही है, हमारे देश की पूरी कितनी इनकम हम लोगों ने कमा चुके हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके अलावा हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है हमारे चीजों का दाम बढ़ना। अब जैसे हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ी आप लोगों ने, तो डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मार्केट में क्या होता है कि जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो वो जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और डिमांड बढ़ेगी तो और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट और होता है कि जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि इनकम बढ़ जाती है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो लोग उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदने लगते हैं, चीजों पे पैसा ज्यादा खर्च करने लगते हैं। इकोनॉमी में जब पैसा ज्यादा आता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है, तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं। तो जब ज्यादा खर्च करेंगे ना, तो क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो भी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए चीजों के दाम बढ़ाता चला जाता है। जब मार्केट में एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि दाम बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, और दाम कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जब इनकम इफेक्ट आता है, यानी कि इंसान की इनकम बढ़ जाती है, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा पंप हो जाता है, तो क्या होता है उससे प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जिसको हम महंगाई बोलते हैं आम भाषा में। तो उसको मेजर किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स वगैरह, तो उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल के बारे में। बिजनेस साइकिल यानी कि रिसेशन होता है, इन्फ्लेशन तो मैंने बता दिया, जैसे कि रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, भी आप लोगों को मैंने बताया कि एक टाइम ऐसा आता है ना कि इकोनॉमी का ग्राफ अच्छा चलता है, फिर सडनली गिरने लगता है, तो मार्केट में क्या होता है, जॉब लॉसेस होने लगते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में, वो बिक रहा है, बन रहा है, उससे रोजगार जनरेट हो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा उसकी डिमांड घटती चली जाएगी। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, मार्केट में एंड्रॉयड फोन आए थे 2011 के अराउंड में आए थे, जब मार्केट में सैमसंग और ये मोबाइल फोन चलने शुरू हुए थे, पैरेलली उसी के साथ आईफोन भी आया था।
अब उस दौरान क्या था कि कोई इंसान जो है अपना आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उस दौरान तो हुआ क्या कि जब इस तरीके से मार्केट में फोन आने शुरू हुए तो लोगों ने क्या करा, डिमांड करनी शुरू करी। फिर एक टाइम आया जब लोगों की इनकम बढ़ी तो लोग ज्यादातर क्या थे, किस पे स्विच हो गए, फिर धीरे 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 वो लोग जाके आईफोन पे स्विच हो गए। तो जो जैसे नोकिया जैसी कंपनीज थी उनका देखा था किस तरीके से बंद होने की उनकी मार्केट में डिमांड ही कम हो गई थी। तो आज के टाइम में अगर आप मोबाइल फोन्स के नाम जानोगे तो कौन कौन से मोबाइल फोन है, टॉप में आता है आपका आईफोन, उसके बाद OnePlus आता है और Samsung देखने को मिलता है, तो कुछ लिमिटेड ब्रांड्स हैं, तो नोकिया का उतना नाम नहीं रहा, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि तो जब मार्केट में क्या होता है कि किसी भी चीज की डिमांड आती है, कंपटीशन आता है, फिर सडनली उसकी डिमांड गिरेगी तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटिव जो कंपनी इंडस्ट्री होती है वो ठप हो जाएगी, वो ठप हो जाएगी तो क्या होगा, लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की अगर चीजें हो रही है मार्केट में तो इसीलिए लोग ये जो डिमांड करने लग जाते हैं अचानक से पैसा आने से, तो इसीलिए मार्केट में पैसे का कंट्रोल बनाए रखना, उस बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन को देखना बहुत जरूरी होता है। और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, वैसे तो मैंने अपनी एक शॉर्ट्स वगैरह में बताया हुआ है, आगे भी बताऊंगा अच्छे से, यहां मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई की एक पॉलिसी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो पैसा होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम ज्यादा कर दिया जाता है, जैसे लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोन कम, लोग पैसा कम लेंगे, पैसा कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम इन्वेस्ट होगा। तो ये जो लोन लेना और उसके बाद उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही मेजर पार्ट है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आरबीआई यानी बैंक से हम लोग पैसा लेते हैं उसको इन्वेस्ट किया जाता है। क्योंकि जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, वो पैसा कभी भी अपनी जेब से नहीं लगाती, वो हमेशा मार्केट से उठाती है पैसा और फिर उसको इन्वेस्ट करती है। और मार्केट से पैसा कहां, बैंक से लिया जाता है, लोन लेके फिर उसको चलाया जाता है, ठीक है ना। तो लोन लेना अपनी कंपनी को फिर घाटे में दिखाना, इसलिए कभी भी जो बिजनेस क्लास होता है वो अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता, हमेशा पैसा जब मार्केट से उठाता है वो, ठीक है ना। तो ये जो लोन वाली प्रक्रिया होती है ना, ये एक बहुत ही मेजर पार्ट है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब इंसान लोन नहीं ले पाए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मार्केट में पैसा कम लगेगा। अब लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो आदमी पैसा ज्यादा लेगा और मार्केट में पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा तो इंसान फिर वो पैसा जब इकोनॉमी में ज्यादा पंप होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, तो फिर वो कंसिस्टेंटली डिमांड, तो हम लोग अब याद करो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक टाइम आएगा वो चीजों की डिमांड घटती चली जाती है, वो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। तो जब चीजों की डिमांड घटती चली जाएगी तो वो जब डिमांड घट जाएगी, प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी तो क्या होगा, कंपनी ठप हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करना ये सरकार की ड्यूटी है कि चीजों को सही ढंग से चलाना। जैसे एक फैमिली होती है ना, तो एक फादर का क्या रोल होता है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है कि अपने बच्चों को पॉकेट मनी देना, खर्चा देना, उनको सारी फैसिलिटीज देना, रिसोर्सेज देना, फ्रीडम देना। लेकिन फिर पेरेंट्स का साथ ही साथ ये रोल भी होता है ना कि अपने बच्चों पर कंट्रोल बना के रखना कि ताकि बच्चे हाथ से बाहर ना हो जाए, पढ़ाई ना करके वो इधर उधर की चीजों में न लग जाए। तो एक कंट्रोल रहना फैमिली का, पेरेंट्स का, फादर का भी बहुत जरूरी होता है। तो ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी ये रोल होता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए वहां के उस मनी फ्लो को कंट्रोल में रखना ताकि इकोनॉमी स्टेबल और सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग तक डेवलपमेंट में चलती रहे, इसलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, उसके बाद आता है हमारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेरोजगारी हमारे देश में सबसे ज्यादा है, गरीबी भी है, तो उसको किस तरीके से कम किया जाए, उसी पे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की काफी सारी पॉलिसीज को पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको तो डिटेल में अच्छे से आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि हम जो भी कमा रहे हैं, हमारे जो भी उत्पाद पैदा हो रहे हैं, उसकी ग्रोथ किस लेवल पे चढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे प्रिंसिपल्स टूल्स को एप्लीकेबल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो मतलब वही है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसमें किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, फ्यूचर परस्पेक्टिव से देख के और पास्ट और फ्यूचर को एनालिसिस करके, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं किसमें, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे इसके स्कोप होते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन हैं, लेकिन वो हम आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे समझेंगे, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। फिर लास्ट में आता है हमारे कुछ इंपॉर्टेंस इसकी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक की। अगर दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस की बात करो तो पहला टॉपिक आता है, मतलब पहला पॉइंट आता है हमारा फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एट एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट लेवल का मतलब हुआ यहाँ पे कि जो इकोनॉमी का जो पूरा का पूरा काम देखा जा रहा है उसको, जैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे थे, यहाँ हम एग्रीगेट लेवल पे यानी कि सारी चीजों को लेके चल रहे हैं एक इंपॉर्टेंट और इसको कॉमन व्यू पॉइंट से पढ़ने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड नीड एंड चैलेंजेस। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं कि
फ्यूचर में आने वाली जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रह सकें, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, फिर क्या उसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब जैसे कोविड आया था, तो कोविड में हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा लॉकडाउन लगेगा या कुछ भी है, लेकिन भारत सरकार ने जब कोविड इंप्लीमेंट किया तो उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई होगी, उससे बचने के लिए क्या हम लोगों ने मेजर्स लिए होंगे, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़ा दिया था क्योंकि पैसे की रेवेन्यू की प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इट प्रोवाइड्स एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू यूज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। तो बेसिकली क्या है कि इकोनॉमिक टूल्स, इकोनॉमिक कुछ साइंटिफिक ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक से, जिससे हम लोगों की जो भी रियल लाइफ इकोनॉमी को हम इसको कनेक्ट करके चीजों को बेहतर तरीके से सही बना सके, ठीक है ना। और उसके बाद आता है हमारा मेक अ मीनिंगफुल कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब जितने भी इकोनॉमिक हमारे कोई भी हमारे इकोनॉमिक चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसमें कैसे कंपैरिजन करना है, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी इकोनॉमी को बाकी देश की डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। जैसे इंडिया क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, और डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे यूएसए है, नॉर्वे है, जो अच्छी अच्छी कंट्रीज है, तो वैसी कंट्रीज से हम अपने आप को कंपेयर करके और कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो वो सारी चीजें इंडिकेटर के, जैसे यूएसए की बात करूं या नॉर्वे जैसी कंट्रीज की बात करूं, तो वहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन फ्री है, तो वैसी चीजों को हम कंपेयर करके अपने एप्लीकेबल करके, लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि एजुकेशन और हेल्थ पे अगर हम सारा पैसा लगाएं तो बाकी चीजों के लिए हमारे पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा, तो हम बजट लाइन स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बेटर प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर। तो जब हम लोग बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रेडिक्शन हम लोग लगा सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनस्टेबल है, हमें नहीं पता, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग चीजों को पढ़ के एक बेहतर तरीके से हम लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं कि आने वाले समय में किसी भी तरीके के लिए हम कैसे प्रिपेयर रह सकें, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। अब अगली वीडियो से मैं आपको शुरुआत करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिटेल में, और ये वाले जो वीडियोस होंगे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे, एंड आई होप ये वाला इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा या सजेशन दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो से, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।